देखिए एक बात याद रखिए, जो लाइट ईयर है वो यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, वो यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। कौन सा कोई डाउट है? तो लाइट ईयर को कैसे डिफाइन करता है? बिकॉज यूनिवर्स में आप एस्ट्रोफिजिक्स में हैं तो डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है, तो लाइट ईयर को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि लेट अस अज्यूम कि आप एक जगह खड़े हो गए यूनिवर्स में एंड यू हैव अ टॉर्च इन योर हैंड, आप उसको स्विच ऑन कर। जब आपने उसको स्विच ऑन किया तो जो लाइट है वो भागना शुरू करेगी एट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज अप्रोक्सीमेट स्पीड, एंड लेट दैट लाइट ट्रेवल फॉर 1 ईयर। तो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज लाइट ईयर। हाँ सब कोई डाउट है? ठीक है, सो अगर इसकी आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पता है जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। कोई डाउट है इस बात में मैडम? आपको डाउट है? तो स्पीड जो है वो मैं अप्रोक्सीमेट फिगर्स ले रहा हूँ, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले लिया, ये जो लाइट है 365 डेज तक भागेगी। अब ये जो है ये मीटर पर सेकेंड है, और ये वाले जो डेज हैं इनको फाइनली मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट है? अब ये जब आप कैलकुलेट करेंगे एक भारी कैलकुलेशन बनेगी और जो आंसर है वो मीटर में आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब इनकी जो टेक्स्ट बुक, ये बालक जो टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें ये जो नंबर है वो है 9.46 × 10⁵15 मीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 9.5 × 10⁵15 मीटर। अब ये जो मीटर्स है दिस इज वॉट इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। तो फिर से देख लीजिए, लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस विच लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.5 × 10⁵15 मीटर। आंसर कोई डाउट? अच्छा अब प्लीज कंटिन्यू, मैं इसको फिर आगे समझा रहा हूँ। अब देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैडम, टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट इतना कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर्स, तो ये 1.5 लाइट ईयर है ना? तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, 1.5 लाइट ईयर को मल्टीप्लाई करूंगा आपकी बुक में जो फिगर दी हुई है 9.46 × 10⁵15 मीटर्स। नहीं समझ में आता? मैं अगर फटाफट इसको अपने कैंची में चेक करता हूँ, सो 1.5 × 9.46, 14.19 आता, 14.19 × 10⁵15 मीटर। भाई यहां तक कोई डाउट? बट आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इसको मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। बहुत अपॉन बढ़िया, तो ये जो भी मेरा आंसर आया इसको मैं डिवाइड कर दिया 10⁻³ से। मित्रों कोई डाउट है? तो यहाँ पर हमें याद आ गया हमारे इंडाइसेस के फंडे, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 14.19 × 10⁻½ ट्वेल्थ किलोमीटर्स। मित्रों डाउट है? पक्का? जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप जो सेकंड पार्ट है खुद करेंगे, और जो सेकंड अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लीजिए। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज अप्रोक्सीमेटली इतना मिलियन किलोमीटर, स्पीड ऑफ लाइट आप इतना लेंगे, कैलकुलेट हाउ लॉन्ग डज इट टेक सनलाइट टू रीच अर्थ। तो 149 कितने किलोमीटर्स आपके पास है? 149 बिलियन किलोमीटर्स। मैडम कुछ डाउट है? अच्छा उन किलोमीटर्स के मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको मीटर्स में, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, और ये डाउट है? और इसको डिवाइड कर दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, क्योंकि टाइम जो है वो किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। भाई समझ आ रहा है? लैपटॉप से बातें कर रहा हूँ मैं। फिर से मैं इंडाइसेस के फंडे यूज कर रहा हूँ, देखिए 3, 6, 8 ये कैंसिल हो गया, तो 1490/3 सेकेंड्स। मित्रों डाउट? दिस अच्छा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 496 सेकेंड्स। नहीं समझ? ठीक है, तो ये आ जाएगा 1490/3, 496
0.66 आता है, ठीक है ना। अच्छा और इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 60 से, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 8.27 मिनट्स, ठीक है ना। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस दिन सन डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, अच्छा आपको 8 मिनट के बाद पता चलेगा। हाँ तो ये जी, अभी नहीं इंपैक्ट समझ में आया। आफ्टर इसका एक और बड़ा फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशन है कि आपकी लाइफ में कुछ हो चुका है और उसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ टाइम के बाद आपको फील होगा, नहीं होगा। समझा होता है मेरे साथ। एक बड़ी अच्छी मूवी है 9/11, समझते हैं आप। अच्छा वो प्लेन घुस गया था, उसके अंदर बिल्डिंग गया था, छोड़िए। तो देयर इज अ मूवी बेस्ड ऑन दिस इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन यूएस। उस मूवी का पहला डायलॉग ही है कुछ ये था। जी जी वाज जी इट तो मूवी का नाम ये है, एक्सट्रीमली लाउड एंड इनक्रेडिबली क्लोज। और जो कोट मैं आपको बोल रहा हूँ वो कोट ये है, इफ द सन वर टू एक्सप्लोड यू वुडंट इवन नो अबाउट इट फॉर 8 मिनट्स, बिकॉज दैट्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर लाइट टू ट्रेवल टू अस। तो दिस गाय, ये जो बच्चा है इसका, ही लूजेज हिज फादर इन दिस इंसिडेंट 9/11। वो मूवी ऐसे ही स्टार्ट होती है, आई थिंक ये वन ऑफ द बिगनिंग कोट्स है इस बार, ये मूवी है। भाई समझ समझ आया? तो मैथमेटिकल और फिलोसफी चल रहा आपको एंगल समझा रही, करिए आऊंगी।